सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। मान लीजिए आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसकी लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स चेक कर लें, दैट मींस खतियां या प्लॉट इंफॉर्मेशन। वेस्ट बंगाल के अंदर हम लैंड रिकॉर्ड्स को खतियां या प्लॉट इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, इसको हम इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी बोल सकते हैं। तो अब ये देखने क्यों जरूरी हो जाते हैं, जिससे कि आपको कोई धोखा ना हो जाए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको उसका एग्जैक्ट मालिक पता होना चाहिए कि उसका प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, वो किस टाइप की लैंड है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है भी कि नहीं है, उसका एग्जैक्ट एरिया कितना है। ये सारी डिटेल्स आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं अंडर नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के लिए आप ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, और साथ ही में मैं लास्ट में आपको कुछ लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टिप्स भी दूंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिस कर दें। चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो वेस्ट बंगाल में किसी भी लैंड की डिटेल्स निकालने के लिए आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे, आप टाइप करेंगे बंगलार भूमि। आप जैसे ही एंटर करेंगे ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, आपके पास पहला ही रिजल्ट आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। बंगलार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वेस्ट बंगाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे खतियाँ और प्लॉट इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। आप सिटीजन सर्विस पे जाएंगे और नो योर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप किसी भी लैंड की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विलेज में डिटेल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल के लिए, और मैं फिर एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फाइनली हम एक मौजा या विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है खतियां नंबर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और दूसरा है प्लॉट नंबर। अगर आपको मालूम है तो आप प्लॉट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के लिए खतिया नंबर से सर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर डाल देता हूँ 5, और अगर आपके खतिया नंबर में स्लैश के बाद कोई नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पे स्पेस में डालना होगा। अब हम व्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं क्या डिटेल्स निकल के आती हैं। तो एक तो आपको खतिया के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं सारे प्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी डिटेल्स निकल के आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या डिटेल्स हैं। ये हो गया आपका खतिया नंबर, ये हो गया ओनर का नाम, फादर का नाम हो गया यहाँ पे, ये एड्रेस हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये लैंड का एरिया दिया गया है 0.315, ये एकर के अंदर दिया गया है। और साथ में ये भी बात का आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर टोटल 5 प्लॉट है, मान लीजिए इस खतिया नंबर के अंदर, तो ये टोटल 5 प्लॉटों का एरिया है। और इसके अंदर बाइफर्केशन भी नीचे आपको मिल जाएगा कि हर एक प्लॉट नंबर, इस खतियान जो 5 नंबर खतियां हैं इसके अंदर 5 प्लॉट नंबर्स आ रहे हैं, और हर प्लॉट का आपको एक तो क्लासिफिकेशन मिल गया किस तरीके की वो लैंड है, उसका कितना शेयर है, और साथ में ये एरिया एग्जैक्टली मिल गया। तो आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये 0.315 निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, आपको अगर किसी प्लॉट की फर्दर डिटेल्स निकालनी है तो ये देखिए यहाँ पे इस प्लॉट के मल्टीपल ओनर्स हैं, तो ये वाली भी डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ गई। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस वाले प्लॉट नंबर को ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 366/1944। तो अगर आपने प्लॉट नंबर से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप यहाँ पे प्लॉट नंबर पे चले जाएंगे, और यहाँ पे मैं वही नंबर डाल देता हूँ 366 एंड देन /1944। ये देखिए अब यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर के हिसाब से डिटेल्स निकल के आ गई। इस प्लॉट नंबर का एरिया जो है 0.06 हेक्टेयर है। अगर आपको प्लॉट मैप निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी इसमें शायद प्लॉट मैप की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ केसेस में आपको प्लॉट मैप की इंफॉर्मेशन हो सकता है ना मिले। इनफैक्ट लैंड रिकॉर्ड्स भी पूरे के पूरे अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डिटेल्स आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगी। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे खतिया नंबर भी आ गया। अब ये हो सकता है दो खतिया नंबर है, ये वाला जो प्लॉट नंबर है ये दो खतिया नंबर के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, खतिया नंबर हो गया, ओनर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, शेयर हो गया और शेयर एरिया हो गया। ये वाली डिटेल्स हमने पहले भी देखी थी जब आप हमने खतिया नंबर से सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप खतिया नंबर और प्लॉट नंबर से किसी भी लैंड की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो आपने लैंड रिकॉर्ड्स निकाले हैं इनको यूज कैसे करते हैं प्रॉपरली। तो इसमें सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होते हैं ये खाली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होते हैं, ये लीगली वैलिड नहीं होते हैं, इन्हें आप एज एविडेंस कहीं किसी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऑथराइज्ड कॉपी चाहिए जो ऑफिशियली आप लीगली वैलिड मान सकते हैं, तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक एप्लीकेशन देके निकलवाना होगा, जहां पे तहसीलदार और पटवारी बैठते हैं।
तो वहां पे आपको तहसील ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होगी और कुछ फीस होती है नॉमिनल सी, 20-25 रुपए, 50 रुपए, ऐसे अलग अलग स्टेट में वो उतनी फीस होती है, तो वो आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको ऑफिशियल कॉपी मिल जाएगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि लैंड रिकॉर्ड्स हेल्पफुल कैसे होते हैं, किस तरीके से आप इन्हें एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। पहली बात तो कि अगर आप अपनी खुद की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, आपने कोई पहले जमीन खरीदी है या आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और सारा का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे एरिया, किस तरीके की वो लैंड है, वो सब चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। आप पूरा चेक कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं, कि जिस भी ओनर से खरीद रहे हैं वो सही में ओनर है कि नहीं, उसका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं आपके लैंड रिकॉर्ड्स में, जमाबंदी में या आपके खसरा खतौनी में। उसके बाद उस लैंड का एग्जैक्ट एरिया कितना है ये पता चल जाता है, किस टाइप की लैंड है, एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, वो ग्राम पंचायत की लैंड तो नहीं है, कहीं किसी रास्ते वाली लैंड तो नहीं है, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई एनकम्ब्रेंसेज नहीं है, एनकम्ब्रेंसेज मतलब कोई किसी भी थर्ड पार्टी का कोई क्लेम तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, जैसे कि या तो कोई लोन नहीं है, या कोई वो किराए पे या लीज पे नहीं दी गई है, या कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं है, ये भी आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं लैंड रिकॉर्ड से। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप कोई लैंड खरीदते हैं तो उसमें आपको दो चीजें करानी बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला तो सेल डीड आपको रजिस्टर करानी चाहिए, दूसरा सेल डीड रजिस्टर कराने के बाद आपको म्यूटेशन करानी बहुत जरूरी है। म्यूटेशन का मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी का में आपका नाम चेंज हो जाएगा, जो पहला ओनर है उसकी जगह आपका नाम आ जाएगा उस जमाबंदी के अंदर या उस खसरा खतौनी के अंदर। तो लैंड रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम आना बहुत जरूरी है, वो उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि खाली सेल डीड करा के ये सोचते हैं कि वो ओनर बन गए, बट वहां पे प्रोसेस खत्म नहीं होता है। काफी बार फ्रॉड हो जाता है कि म्यूटेशन कराते नहीं है कुछ लोग, तो होता क्या है कि जो प्रीवियस सेलर होता है वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा भी बेच सकता है। तो उस तरीके के प्रॉपर्टी फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि सेल डीड कराने के बाद आप अपनी म्यूटेशन भी जरूर करा लें। अब सेल डीड का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल, आप वो देख सकते हैं मेरा, और म्यूटेशन किस तरीके से होती है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वाले दोनों वीडियो भी मेरे जरूर देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और लेटेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।